जीविका कमाते, एक प्रोत्साहन की, एक मदद की उन्हें जरूरत थी मुश्किल वक्त में, जो पीएम स्वनिधि योजना ने उन्हें दिया। उन तमाम लोगों को वो आर्थिक सहायता प्रदान की जो स्ट्रीट वेंडर्स के तहत, इस पीएम स्वनिधि योजना के तहत उन्हें लोन दिया गया। ये योजना अब भी उन लोगों के लिए एक वित्तीय समावेशन और समग्र कल्याण का प्रतीक बनी हुई है, जो कहीं ना कहीं मुख्यधारा में आने से या विभिन्न योजनाओं से, लाभों से कमोबेश वंचित रह जाते थे। साथ ही इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री दिल्ली मेट्रो के दो अतिरिक्त कॉरिडोर तथा लाजपत नगर साकेत जी ब्लॉक और इंद्रलोक इंद्रप्रस्थ की आधारशिला भी रखेंगे। राजधानी दिल्ली की दिल्ली मेट्रो, जो कि दिल्ली की लाइफलाइन कही जाती है, उसका भी यहां विस्तार होने जा रहा है। लाजपत नगर साकेत जी ब्लॉक और इंद्रलोक इंद्रप्रस्थ, ये दो कॉरिडोर्स कुल मिलाकर 20 किलोमीटर से भी अधिक लंबे होंगे और दिल्ली एनसीआर अगर हम बात करें तो कनेक्टिविटी बढ़ाने में बेहद सफल साबित होंगे और उम्मीद करते हैं बिल्कुल कि यातायात की भीड़ और ट्रैफिक को कम करने में भी ये बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। आपका प्यार, आपका स्नेह देखकर बस यही कहा जा सकता है कि ये देश कहां रुकता है, अर्श फर्श की आवाज से इसे जाना है बहुत ऊंचा। हृदय परवास से मोदी जी, आपकी आवाज से, आपके अंदाज से। जी हां देवी और सज्जनों, कुछ ही क्षणों में मोदी जी आपके सन्मुख इस मंच पर विराजमान होंगे और उनके साथ और भी हमारे गणमान्य अतिथिगण आसीन होंगे। अब आपसे निवेदन है कि आप अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें और इस ओजस्वी वाणी को सुनने के लिए व्यवस्था बनाए रखें। और इसी मंच पर आसीन हमारे आज के मुख्य अतिथि, भारतवर्ष को विकसित राष्ट्र की समृद्ध सोच की तरफ लेकर चलने वाले और सबका विकास की बहुमूल्य सोच में दृढ़ विश्वास रखने वाले भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के आवास और शहरी मामलों तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री माननीय हरदीप पुरी जी, भारत के माननीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत किशन राव कराड़ जी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना जी और पूरे स्टेडियम में उपस्थित अत्यंत उत्साह और मोदी जी के प्रति आभार से लबालब प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के हजारों हजार लाभार्थी, देवियों और सज्जनों, पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को श्री नरेंद्र मोदी जी के संबोधन और दिल्ली मेट्रो फेज 4 के दो नए कॉरिडोर लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक और इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ के शिलान्यास के शुभ अवसर पर आप सभी का अभिनंदन है, आभार है, तहे दिल से स्वागत है। सबसे पहले मंच पर आसीन महामहिम उपराज्यपाल जी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के श्री विनय कुमार सक्सेना जी से विनम्र अनुरोध है कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को शॉल पहनाकर हम सभी की ओर से
उनका अभिनंदन एवं स्वागत करें। और साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी को एक स्मृति चिन्ह भी भेंट किया जा रहा है। और अब मैं माननीय श्री हरदीप पुरी जी, केंद्रीय मंत्री आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस से अनुरोध है कि वे स्वागत संबोधन द्वारा माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी एवं सभी अतिथियों का स्वागत करें। मेरे साथ जरा आवाज उठाइए, भारत माता की जय। भारत माता की जय। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भगवत किशन राव कराट जी, माननीय उप राज्यपाल जी श्री विनय कुमार सक्सेना जी, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, कोरोना महामारी के दौरान न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। हमारी रेड़ी पटरी वाले भाई बहनों को विशेष रूप से समस्याओं का सामना करना पड़ा। इन परिस्थितियों में माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने पहली जून 2020 को पीएम स्वनिधि योजना लागू की और सिर्फ एक महीने बाद 2 जुलाई 2020 से लाभार्थियों को बिना किसी गारंटी के लोन्स मिलने शुरू हो गए। अब तक पूरे देश में 62,27,000 स्ट्रीट वेंडर्स को इस योजना के तहत कुल 11,625 करोड़ रुपए से अधिक लोन्स दिए गए हैं। इस उस मुश्किल समय में प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में जो जीवन और जीविकी लाइवलीहुड के बीच संतुलन लाया गया, वे अब पूरे विश्व के लिए गुड गवर्नेंस का उदाहरण बन गया है। बहुत से हमारी रेड़ी पटरी वाले भाई बहन जो इनफॉर्मल इकोनॉमी के पार थे, अब इस फाइनेंशियल इंक्लूजन के बाद फॉर्मल इकोनॉमी में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस योजना की सफलता की वजह से हमारे स्ट्रीट वेंडर्स अब देश के माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स बन गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 30,52,000 से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को और उनके परिवारों को स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम में के माध्यम से पूर्ण सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान की जा रही है। अब हमारी रेड़ी पटरी वाले भाई बहन पीएम जनधन योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना जैसी 8 वेलफेयर स्कीम्स का लाभ उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, भारत के शहरी विकास का एक और महत्वपूर्ण पहलू अर्बन ट्रांसपोर्ट है। आज देश में 945 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क ऑपरेशनल है और 919 किलोमीटर की मेट्रो लाइन अंडर कंस्ट्रक्शन है। रोजाना दिल्ली में करीब 65 से लेकर 70 लाख से अधिक यात्री दिल्ली मेट्रो की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। अब डीएमआरसी के फेज 4 के निर्माण के तहत प्रधानमंत्री जी आज 2 नए मेट्रो कॉरिडोर्स का शिलान्यास कर रहे हैं। ये 2 कॉरिडोर्स जो लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक तक और इंदरलोक से इंद्रप्रस्थ तक की यात्रा तय करेंगे, इनकी कुल लंबाई 20 किलोमीटर ही होगी। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 8,400 करोड़ रुपए होगी। इन 2 कॉरिडोर्स के निर्माण से लगभग 2.5 लाख यात्रियों को रोजाना लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आप इस परियोजना को
दिल्ली वासियों और देश को समर्पित कर रहे हैं। ये आपके विकसित भारत के विजन को और भी मजबूत बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हां देवी और सज्जनों, जब भी भारत में विकास यात्राओं का उल्लेख किया जाता है तो DMRC यानी दिल्ली मेट्रो की उल्लेखनीय यात्रा का जिक्र बड़े गर्व के साथ किया जाता है। जैसा कि माननीय मंत्री हमारे सबके चहेते जनाब पुरी साहब ने बताया कि इसी दिल्ली मेट्रो नेटवर्क का दायरा बढ़ाने की दिशा में दो और कॉरिडोर्स जोड़े जा रहे हैं, लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक और इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ, और इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 8,400 करोड़ रुपए है और इसका दैनिक यात्री भार लगभग 2.5 लाख होगा। इससे दिल्ली के विभिन्न भागों में कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हो जाएगी। तो बस माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि वे अपने कर कमलों द्वारा रिमोट का बटन दबाकर इन दोनों कॉरिडोर्स का शिलान्यास करें। आप सभी की तरफ से DMRC को इस उपलब्धि पर बहुत बहुत बधाई। तो फिर क्यों ना DMRC की इस विकास यात्रा से संबंधित एक छोटी सी फिल्म को भी देख लिया जाए। देश में शहरी परिवहन के क्षेत्र में मेट्रो रेल के बढ़ते नेटवर्क में न सिर्फ अभूतपूर्व वृद्धि हुई है बल्कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार कर नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। 2014 में जहां देश में कुल 5 शहरों में 248 किलोमीटर मेट्रो परिचालित थी, वहीं आज 21 शहरों में 945 किलोमीटर से अधिक मेट्रो सेवाएं उपलब्ध है, जबकि 919 किलोमीटर का मेट्रो रेल नेटवर्क निर्माणाधीन है। आज दिल्ली NCR में 427 किलोमीटर नेटवर्क पर मेट्रो परिचालित है। फेज 4 के तहत नेटवर्क का विस्तार करते हुए 65 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का कार्य प्रगति पर है। इन कॉरिडोरों का निर्माण कार्य 2026 तक पूर्ण कर लिया जाएगा और फेज 4 के पूर्ण होने के पश्चात दिल्ली NCR में मेट्रो रेल नेटवर्क 500 किलोमीटर से अधिक हो जाएगा। DMRC के फेज 4 के तहत 2 नए कॉरिडोर जिसमें इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ और लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक तक निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है और लगभग 21 किलोमीटर लंबे इन दो कॉरिडोरों में 18 स्टेशन होंगे। इन नए कॉरिडोरों के पूरा होने के बाद बेहतर मेट्रो कनेक्टिविटी से करीब 2.5 लाख स्थानीय लोग सुगम, सरल और सुरक्षित मेट्रो यात्रा का आनंद ले पाएंगे। मेट्रो के जुड़ जाने से इन क्षेत्रों में व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। आज दिल्ली मेट्रो के इन दो नए कॉरिडोर का शिलान्यास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जा रहा है। देवी और सज्जनों, आइए अब देखते हैं आज के मुख्य विषय प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना पर आधारित एक और ऑडियो विजुअल, ताकि हम सभी इस यात्रा का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकें और इसके द्वारा लाई जा रही समृद्धि के साक्षी बन सकें। तो लीजिए, प्रस्तुत है एक और लघु फिल्म। कभी सड़क के किनारे तो कभी किसी गली में, कभी किसी पेड़ तो कभी खुले आसमान के नीचे, कभी किसी ठेले के साथ तो कभी सिर पर अपनी छोटी सी दुकान उठाए, स्ट्रीट वेंडर्स हमारी जरूरतों को पूरा करते
और अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाए दिख जाते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स हमारी समाज और अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है, लेकिन इनके योगदान को कभी अहमियत नहीं मिली। तभी तो पहले इनके उत्थान की बात करना तो दूर, कोई इनके बारे में सोचता भी नहीं था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए तो पूरा भारत एक परिवार है, और अपने परिवार के किसी भी सदस्य की अनदेखी वो कैसे होने देते। आज देश का हर गरीब मेरे परिवार है, जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। इसी कड़ी में समाज के हर वर्ग की पीड़ा को समझने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में शुरू हुई पीएम स्वनिधि योजना ने स्ट्रीट वेंडर्स को न सिर्फ महामारी के चुनौतीपूर्ण समय में माइक्रो क्रेडिट योजना के माध्यम से संबल दिया, बल्कि आत्मनिर्भरता की नई राह दिखाई और इनके जीवन में नई ऊर्जा के साथ आर्थिक समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत की। पीएम स्वनिधि योजना का जो प्रभाव हुआ है वो दिखाता है कि जब गरीब को संबल मिलता है तो वो कुछ भी कर सकता है। पीएम स्वनिधि योजना में एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आई कि स्वनिधि की सहायता प्राप्त करने वाले साथियों को वार्षिक कमाई में औसतन 23,000 रुपए की अतिरिक्त वृद्धि हुई है। इस योजना के माध्यम से इन छोटे उद्यमियों को 3 किश्तों में कम ब्याज दर पर 80,000 रुपए तक का लोन तो मिला ही, साथ ही ब्याज के नियमित भुगतान पर सब्सिडी और डिजिटल लेन देन पर कैशबैक का उपहार भी मिला। लाभार्थियों को लोन मिलने में स्पीड और पारदर्शिता का भी पूरा ख्याल रखा गया। इसके लिए डैशबोर्ड और मोबाइल ऐप के साथ साथ एक एकीकृत आईटी प्लेटफॉर्म पीएमएस पोर्टल विकसित किया गया। 24 घंटे के भीतर शिकायतों का समाधान करने के लिए कॉल सेंटर की स्थापना भी की गई। परिचय बोर्ड, डिजिटल ऑनबोर्डिंग और प्रशिक्षण जैसे कई अन्य उपायों से इस योजना के लाभ को जरूरतमंदों तक पहुंचाया गया। यही नहीं, पीएम स्वनिधि ने स्वनिधि से समृद्धि के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स के परिवारों को भी केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही 8 कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर उनकी व्यापक सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। पीएम स्वनिधि ने अब तक देश भर के 62 लाख से अधिक लाभार्थियों के जीवन में खुशियों के रंग भरे हैं, जिनमें 45% महिलाएं और 72% वंचित वर्ग हैं। पीएम स्वनिधि के माध्यम से 82 लाख से अधिक बिना गारंटी के लोन बांटे गए हैं और लगभग 11,000 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है। देश की राजधानी दिल्ली में भी इस योजना ने लाखों रेहड़ी पटरी वालों के जीवन में नया सूरज उगाया है। अकेले दिल्ली में लाभार्थियों को 232 करोड़ से ज्यादा की राशि 2 लाख से अधिक लोन्स के रूप में वितरित की गई। ट्रीट वेंडर्स के सपनों को पंख और इनकी उन्नति को नया आसमान देने की कड़ी में आज माननीय प्रधानमंत्री देश के दिल दिल्ली से हमारे 5,000 नए स्ट्रीट वेंडर्स भाई बहनों को स्वनिधि परिवार से जोड़कर बिना गारंटी लोन प्रदान करने जा रहे हैं। इसी कड़ी में पूरे देश में आज 1 लाख लोन्स वितरित किए जा रहे हैं। भारत आज विकसित भारत की राह पर तेज गति से अग्रसर है। हर समाज, हर वर्ग का मोदी की गारंटी के साथ उत्थान ही तो विकसित भारत की ओर बढ़ रहे भारत की नई पहचान और नया ऐलान है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों और भाइयों, इस फिल्म के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह अनुरोध है कि वो आज इस मंच पर अपने मुबारक हाथों से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 5 लाभार्थियों को चेक भेंट कर उन्हें विकास यात्रा पर अग्रसर करें। बहनों और भाइयों, यहाँ पर यह स्पष्ट करना अनिवार्य हो जाता है कि इन 5 लाभार्थियों की तरह ही इस योजना के अंतर्गत भारत के 1 लाख और अकेले दिल्ली के 5,000 लाभार्थियों को आज ही के दिन
ऋण राशि वितरित की जा रही है। तो चलिए आज के इन पांच लोगों की फहरिस्त में सबसे पहले हम मंच पर आने का आग्रह करेंगे कपड़ा सिलाई का कार्य करने वाली नजफगढ़ जोन की 38 वर्षीय श्रीमती अफरोज जी से। अफरोज जी को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपए की ऋण सहायता प्रदान की जा रही है ताकि ये भी अपनी मेहनत और इस योजना से जुड़कर अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार कर सकें। श्रीमती अफरोज जी, अब हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं फास्ट फूड का कार्य करने वाली करोल बाग जोन की 39 वर्षीय श्रीमती निशा जी को। आज इस मंच से निशा जी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपए की ऋण सहायता प्राप्त कर रही हैं ताकि वो भी अपने फास्ट फूड व्यवसाय को और बढ़ा सकें, बेहतर कर सकें। सुश्री निशा जी, अब मंच पर हम आमंत्रित कर रहे हैं सेंट्रल जोन के फल और सब्जी विक्रेता 65 वर्षीय श्री गौरी शंकर गोयल जी को। इन्हें प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण की पहली किस्त 10,000 रुपए, दूसरी किस्त 20,000 रुपए प्राप्त हो चुकी है और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कर्मणों द्वारा 50,000 रुपए की तीसरी किस्त सौंपी जा गई है इन्हें ताकि ये भी अपने व्यवसाय को नई ऊंचाई दे सके। ये थे श्री गौरी शंकर गोयल जी। और अब मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं रोहिणी जोन के एक सामान्य विक्रेता 52 वर्षीय श्री शेखर परनामी जी को, जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण की पहली किस्त 10,000 रुपए, दूसरी किस्त 20,000 रुपए प्राप्त कर चुके हैं और आज इस मंच से पीएम स्वनिधि योजना के तहत तीसरी किस्त 50,000 रुपए प्राप्त कर रहे हैं ताकि ये भी अपनी मेहनत और इस राशि से अपने व्यवसाय को और बेहतर बना सकें, आगे बढ़ा सकें। जी हां, श्री शेखर परनामी जी। हम सभी की ओर से इन लाभार्थियों को इनके कारोबार में बढ़ोतरी हो इस बधाई के साथ, इन शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं, बहुत बहुत मुबारक देते हैं। देवी और सज्जनों, अब बारी है हमारे ही नहीं पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय जीवंत और दूरदर्शी नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओजस्वी वाणी मेरे प्रेरणात्मक और आशीर्वाद स्वरूप संबोधन को सुनने की। जी हां, मेरी मुराद भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी हरदीप सिंह पुरी जी, भागवत करार जी, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना जी, यहां उपस्थित अन्य सभी महानुभाव, और आज के कार्यक्रम की विशेषता ये है कि देश के सैकड़ों शहरों में लाखों रेहड़ी पटरी वाले हमारे भाई बहन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उन सब का भी स्वागत करता हूं। आज का ये पीएम स्वनिधि महोत्सव उन लोगों को समर्पित है जो हमारे पास आसपास तो रहते ही हैं और जिनके बिना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की कल्पना भी मुश्किल है।
और कोविड के समय सबने देख लिया कि रेहड़ी पटरी वालों की ताकत क्या होती है। हमारे रेहड़ी पटरी वाले, ठेले वाले, सड़क किनारे दुकान चलाने वाले, ऐसे हर साथी का मैं आज इस उत्सव में हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज देश के कोने कोने से जो साथी जुड़े हैं उनको भी इस पीएम स्वनिधि का एक विशेष लाभ, आज 1,00,000 लोगों को पीएम स्वनिधि योजना के तहत सीधे उनके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए गए हैं। और सोने में सुहागा है, आज यहां दिल्ली मेट्रो के लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक और इंद्रप्रस्थ से इंद्रलोक मेट्रो प्रोजेक्ट का भी उसके विस्तार का शिलान्यास हुआ है। ये दिल्ली के लोगों के लिए डबल तोहफे की तारीख है। मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हमारे देश भर के शहरों में बहुत बड़ी संख्या में रेहड़ी, फुटपाथ पर, ठेले पर लाखों साथी काम करते हैं। ये वो साथी हैं जो आज यहां मौजूद है, जो स्वाभिमान से मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। इनके ठेले, इनकी दुकान भले छोटी हो लेकिन इनके सपने छोटे नहीं होते हैं, इनके सपने भी बड़े होते हैं। अतीत में पहले की सरकारों ने इन साथियों की सूद तक नहीं ली है, इनको अपमान सहना पड़ता था, ठोकरें खाने के लिए मजबूर होना पड़ता था, फुटपाथ पर सामान बेचते हुए पैसे की जरूरत पड़ जाती थी तो मजबूरी में महंगे ब्याज पर पैसा लेना पड़ता था और लौटाने में अगर कुछ दिन भी देरी हो गई, अरे कुछ घंटे देरी हो गई तो अपमान के साथ साथ ब्याज भी ज्यादा भरना पड़ता था। और बैंकों में खाते तक नहीं थे, बैंकों में प्रवेश ही नहीं हो पाता था तो लोन मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता है। खाता खुलवाने तक के लिए भी अगर कोई पहुंच भी गया तो भांति भांति की गारंटी उसको देनी पड़ती थी। और ऐसे में बैंक से लोन मिलना भी असंभव ही था। जिनके पास बैंक खाता था उनके पास व्यापार का कोई रिकॉर्ड नहीं होता था,
इतनी सारी समस्याओं के बीच कोई भी व्यक्ति कितने ही बड़े सपने हो लेकिन आगे बढ़ने के लिए कैसे सोच सकता है। आप साथी मुझे बताइए, मैं जो वर्णन कर रहा हूं क्या ऐसी समस्याएं आपको थी कि नहीं थी? सबको थी। पहले की सरकार ने आपकी यह समस्याएं न सुनी न समझी न समस्या का समाधान करने के लिए कभी कोई कदम उठाया। आपका ये सेवक गरीबी से निकलकर यहां पहुंचा है। मैं गरीबी को जी करके आया हूं और इसलिए जिसको किसी ने नहीं पूछा उन्हें मोदी ने पूछा भी है और मोदी ने पूजा भी है। जिनके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था तो मोदी ने कह दिया था बैंकों से भी और रेडी पटरी वाले भाई बहन को भी, अगर आपके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं है तो चिंता मत कर दीजिए, मोदी आपकी गारंटी लेता है। और मैंने आपकी गारंटी ली और मैं आज बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि मैंने बड़े बड़े लोगों की बेईमानी को भी देखा है और छोटे छोटे लोगों की ईमानदारी को भी देखा है। पीएम स्वनिधि योजना मोदी की ऐसी ही गारंटी है जो आज रेहड़ी पटरी ठेले ऐसे छोटे छोटे काम करने वाले लाखों परिवारों का संबल बनी है। मोदी ने तय किया कि इनको बैंकों से सस्ता ऋण मिले और मोदी की गारंटी पर लोन मिले। पीएम स्वनिधि इसके तहत पहली बार जब आप लोन लेने जाते हैं तो 10,000 रुपया देते हैं। अगर आप उसको समय पर चुकाते हैं तो बैंक खुद आपको 20,000 की ऑफर करता है और ये पैसा भी समय पर चुकाने पर और डिजिटल लेन देन करने पर 50,000 रुपये तक की मदद बैंकों से सुनिश्चित हो जाती है। और आज आपने यहां देखा कुछ लोग वो थे जिनको 50,000 वाली किस्त मिली है, यानी छोटे कारोबार को विस्तार देने में पीएम स्वनिधि योजना से बहुत बड़ी मदद मिली। अभी तक देश के 62 लाख से अधिक लाभार्थियों को लगभग 11,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। यह आंकड़ा छोटा नहीं है, रेहड़ी पटरी वाले भाई बहनों के हाथ में ये मोदी का उन पर भरोसा है कि 11,000 करोड़ रुपए उनके हाथ में दिए हैं। और अब तक का मेरा अनुभव है समय पर पैसे वो लौटाते हैं और मुझे खुशी है
कि पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों में आधे से अधिक हमारी माताएं बहनें हैं। साथियों, कोरोना के समय में जब सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना शुरू की थी तो किसी को अंदाज नहीं था कि ये कितनी बड़ी योजना बनने जा रही है। तब कुछ लोग कहते थे कि इस योजना से कुछ खास फायदा नहीं होगा, लेकिन पीएम स्वनिधि योजना को लेकर हाल में जो स्टडी आई है वो ऐसे लोगों की आंखें खोल देने वाली है। स्वनिधि योजना की वजह से रेहड़ी फुटपाथ ठेले पर काम करने वालों की कमाई काफी बढ़ गई है। खरीद बिक्री का डिजिटल रिकॉर्ड होने की वजह से अब बैंकों से आप सभी को मदद मिलने में भी आसानी हो गई है। यही नहीं, डिजिटल लेन देन करने पर इन साथियों को साल में 1200 रुपये तक का कैश बैक भी मिलता है, अनेक प्रकार का प्राइज मिलता है, इनाम मिलता है। साथियों, रेहड़ी फुटपाथ ठेले पर काम करने वाले आप जैसे लाखों परिवारों के लोग शहरों में बहुत कठिन परिस्थितियों में रहते हैं। आप में से ज्यादातर अपने गांवों से आकर शहरों में ये काम करते हैं। ये जो पीएम स्वनिधि योजना है, ये सिर्फ बैंकों से जोड़ने का कार्यक्रम भर नहीं है, इसके लाभार्थियों को सरकार की दूसरी योजनाओं का भी सीधा लाभ मिल रहा है। आप जैसे सभी साथियों को मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज और मुफ्त गैस कनेक्शन की सुविधा मिल रही है। आप सभी जानते हैं कि कामकाजी साथियों के लिए शहरों में नया राशन कार्ड बनाना कितनी बड़ी चुनौती थी। मोदी ने आपकी इस परेशानी को दूर करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है, इसलिए एक देश एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना बनाई गई है। अब एक ही राशन कार्ड पर देश में कहीं पर भी राशन मिल जाता है। साथियों, रेहड़ी फुटपाथ ठेले पर काम करने वाले ज्यादातर साथी झुग्गियों में रहते हैं। मोदी ने इसकी भी चिंता की है। देश में जो 4 करोड़ से अधिक घर बने हैं, इनमें से करीब 1 करोड़ घर शहरी गरीबों को मिल चुके हैं। देश के अलग अलग शहरों में इसका बड़ा लाभ गरीबों को मिल रहा है। भारत सरकार राजधानी दिल्ली में भी झुग्गियों की जगह पक्के आवास देने का बड़ा अभियान चला रही है। दिल्ली में 3000 से अधिक घरों का निर्माण पूरा हो चुका है और 3500 से अधिक घर दिल्ली जल्दी पूरे होने वाले हैं। दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के रेगुलाइजेशन का काम भी तेजी से पूरा किया जा रहा है। हाल में भारत सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भी शुरू की है। इस योजना के तहत छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए केंद्र सरकार पूरी मदद करेगी। इससे 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी, बाकी बिजली सरकार को बेचकर कमाई भी होगी। सरकार इस योजना पर 75,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। साथियों, केंद्र की भाजपा सरकार दिल्ली में
गरीब और मध्यम वर्ग का जीवन बेहतर बनाने के लिए दिन रात काम कर रही है। एक तरफ हमने शहरी गरीबों के लिए पक्के घर बनाए तो मध्यम वर्ग के परिवारों का घर बनाने के लिए भी मदद की। देश भर में मिडिल क्लास के लगभग 20 लाख परिवारों को घर बनाने के लिए करीब 50,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा चुकी है। हम देश के शहरों में ट्रैफिक और प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए ईमानदारी से जीते हुए हैं। इसके लिए देश में दर्जनों शहरों में मेट्रो सुविधा पर काम हो रहा है, इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही है। दिल्ली मेट्रो का दायरा भी 10 साल में करीब करीब दोगुना हो चुका है। दिल्ली जितना बड़ा मेट्रो नेटवर्क दुनिया के गिने चुने देशों में है, बल्कि अब तो दिल्ली एनसीआर नमो भारत जैसे रैपिड रेल नेटवर्क से भी जुड़ रहा है। दिल्ली में ट्रैफिक से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए भी हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। केंद्र सरकार ने दिल्ली में 1,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें चलवाई हैं। दिल्ली के चारों तरफ जो एक्सप्रेस वे हमने बनाए हैं उससे भी ट्रैफिक और प्रदूषण की समस्या कम हो रही है। कुछ दिन पहले ही द्वारका एक्सप्रेस वे का भी लोकार्पण हुआ है। इससे दिल्ली की बहुत बड़ी आबादी का जीवन आसान होगा। साथियों, भाजपा सरकार का यह निरंतर प्रयास है कि गरीब और मिडिल क्लास के युवा खेल कूद में आगे बढ़े। इसके लिए बीते 10 वर्षों में हमने हर स्तर पर माहौल बनाया है। खेलो इंडिया योजना से देश भर में सामान्य परिवारों के वो बेटे बेटियां भी आगे आ रहे हैं जिन्हें पहले अवसर मिलना असंभव था। आज उनके घर के आसपास ही अच्छी खेल सुविधाएं बन रही है। सरकार उनकी ट्रेनिंग के लिए मदद दे रही है। इसलिए मेरे गरीब परिवार से निकले खिलाड़ी भी तिरंगे की शान बढ़ा रहे हैं। साथियों, मोदी गरीब और मध्यम वर्ग का जीवन बेहतर बनाने में जुटा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है जो मोदी को दिन रात गालियां देने के घोषणा पत्र के साथ दिल्ली में एकजुट हो गया है। ये जो इंडी गठबंधन है, इनकी विचारधारा क्या है? इनकी विचारधारा है कुशासन की, करप्शन की और देश विरोधी एजेंडे को हवा देने की। और मोदी की विचारधारा है जन कल्याण से राष्ट्र कल्याण की, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण को जड़ से मिटाने की और भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने की। ये कहते हैं कि मोदी का परिवार नहीं है, मोदी के लिए तो देश का हर परिवार अपना परिवार है। और इसलिए आज पूरा देश भी कह रहा है मैं हूं मोदी का परिवार। साथियों, देश के सामान्य मानवीय के सपने और मोदी के संकल्प, यही साझेदारी शानदार भविष्य की गारंटी है। एक बार फिर दिल्ली वासियों को, देश भर के स्वनिधि लाभार्थियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।